नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर, जहां पर दोस्तों आप सभी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तीन महत्वपूर्ण सुनवाई है, जिसको लेकर दोस्तों मैंने आपको बताया था एक 22 सीटों के बारे में। दूसरी सुनवाई की बात करें दोस्तों बारांग को लेकर, तीसरी सुनवाई दोस्तों आंसे की केस के लेकर। तो तीनों की दोस्तों यहाँ जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जो निकल गया कि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा भारांग मुद्दे को लेकर लगातार दोस्तों अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि भारांग मुद्दे के बारे में क्या हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि वो मुद्दा भी दोस्तों 15 तारीख को होने वाली सुनवाई के अंदर तय किया जा चुका है। जी हां दोस्तों, डबल बेंच के अंदर जैसा हुआ था बीएड मुद्दा, भारांग मुद्दा, सभी मुद्दे दोस्तों उसके साथ में टैग हो गए थे। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें जो भारांग का मुद्दा है दोस्तों, वो भी मेन याचिका के साथ में, मतलब जिसकी 15 तारीख को दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर होने वाली सुनवाई, उसके साथ में टैग हो चुका है। अब बीएड मुद्दे पर बात करें दोस्तों, मॉडिफिकेशन पर साथ में अगर दोस्तों बात करें, जितने ही मामले आपको देखने के लिए मिल रहे थे उन सभी पे एक साथ सुनवाई देखने मिलेगी दोस्तों आपसी को 15 तारीख को, जो कि दोस्तों होने वाली दो जजों की बेंच के अंदर। तो भारांग मुद्दा दोस्तों एक बार फिर से शिक्षा मित्रों का जो भारांग था वो दोस्तों टैग किया जा चुका 15 तारीख के लिए। साथ में आंसर की केस को लेकर दोस्तों एक बार फिर से बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि आंसर की का जो केस है वो खारिज हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी भी थी कि आंसर की केस दोस्तों यहां से खारिज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पहले दोस्तों दो बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज हुआ है। तो सेम दोस्तों यहां पे ऋषभ मिश्रा वाला जो ऑर्डर है दोस्तों वो दे दिया गया है। बाकी दोस्तों ऑर्डर आने के बाद दोस्तों अभी आपसी को जानकारी बता दी जाएगी आंसर की केस के बारे में, साथ में भारांग को लेकर। अभी अभी की जो लेटेस्ट अपडेट निकली उसके बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि भारांग मुद्दा दोस्तों 15 तारीख के लिए टैग किया जा चुका है, आंसर की का जो केस था दोस्तों वो खारिज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों 22 सीटों को लेकर, जिससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा दोस्तों कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो 68,500 वाली जो सीटें बची हुई, मतलब कि 22 से उनको जुड़वाने का मुद्दा भी दोस्तों 15 तारीख के लिए टैग किया जा चुका है। मतलब अगर बात करें दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है अगर बात करें झुंड बन चुका है केसों का, 15 तारीख को क्या मामला फाइनल हो पाएगा, क्या दोस्तों अंतिम सुनवाई हो पाएगी, ऐसे में दोस्तों मैं इस चीज़ को लेकर बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो 22 जो सीटें बची 68,500 वाली उसकी भी सुनवाई दोस्तों आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें 15 तारीख को, उसको भी दोस्तों यहाँ पर ऐड किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें भारांग का जो मुद्दा था, अभी तक दोस्तों अगर देखा है सीनियर वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, अगर भारांग मुद्दे उपस्थित होते तो यहां पे और बहस देखने के लिए मिल सकती थी। हालांकि अभी दोस्तों जो मुद्दा है 15 तारीख के लिए टैग किया जा चुका है, इस पे एक बार फिर से आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी 15 तारीख को। उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें जो आंसर की का केस था, जिसको लेकर दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यहां से सेम ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है कि डबल बेंच से दोस्तों यहां पर सुनवाई करा ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई उम्मीद नहीं बची हुई थी, ऐसा दोस्तों यहां पर देखने को मिला भी है। आंसर की का मुद्दा दोस्तों एक बार फिर से खारिज हो गया है। हालांकि अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर दोस्तों 15 तारीख शो तो की जा रही है, लेकिन इसके बारे में जैसे दोस्तों आपसी को ऑर्डर आएगा और भी जानकारी बता दी जाएगी। आंसर की केस को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर दोस्तों ऋषभ मिश्रा वाला जो सेम ऑर्डर है वो दिया गया अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। वहीं भारांग मुद्दे की बात करें 22 सीटों को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों अगर बात करें 69,000 के अंदर, ऐसे में कम गुणांक वाले अभ्यर्थी साधन बीएड बीडीसी अभ्यर्थियों को बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो 22 सीटों वाला मुद्दा साथ में भारांग मुद्दा दोस्तों 15 तारीख के लिए टैग हो गया है, मतलब कि परसों दोस्तों अब काफी केसेस पे सुनवाई होने वाली है। अब एक सुनवाई के अंदर सब कुछ फाइनल होगा कि नहीं होगा ये तो दोस्तों 15 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है कि एक बार फिर से दोस्तों यहां पे जो है काफी ज्यादा जो केस है वो देखने के लिए मिल गए। पहले भी दोस्तों हमें ऐसा मिला था डबल बेंच के अंदर। बाकी जो भी जैसे भी अपडेट देखिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।